सो है कि जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SIP वर्सेस लमसम, यानी कि देखिए SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है। जैसे कि देखिए मैं पिछले वीडियोस में कहता रहता था कि देखिए मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि SIP और लमसम में आखिर क्या फ़र्क होता है, और ठीक है कि देखिए किस चीज़ के लिए जाना जाता है और कैसे आप लोग SIP और लमसम का यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, SIP में फ़ायदा होगा या फिर लमसम में होगा, या फिर कहीं देखिए आप इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को दोनों में ही मुनाफा हो। तो इसलिए हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी म्यूचुअल फंड 0 to Hero जो ईबुक है उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाइए फटाफट उसको परचेज कर लीजिए। सिर्फ कहिए उसकी प्राइस है 99 रुपीज़, यानी कि देखिए आप लोग सिर्फ 99 रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती है, जिसमें कहीं देखिए आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी, प्रॉफिट लॉस और कहिए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे सेलेक्ट करें म्यूचुअल फंड को, सारी जानकारी आप लोग उसमें मिल जाती है। तो चलिए आप लोगों को यदि जानना है सिंपली तो कहीं देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी तो आप लोग ई बुक की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ कहीं देखिए आप लोग वो ई बुक 99 रुपीज़ में मिल रही है। सो चलिए बिना टाइम को कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SIP, ठीक है ना। तो देखिए SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना। अब दूसरी के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मतलब से आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपली क्या कहा गया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एक सिस्टम से सिंपली इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है गाइस, इसका मतलब हो गया SIP का। लमसम का मतलब हो गया उस तरीके सिर्फ एक बार में ही जितना भी पैसा उसको निवेश कर देना, ठीक है। अब गाइस देखिए आप लोगों ने किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया, एग्जांपल लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड। अब दोस्तों देखिए इस फंड के अंदर आप लोगों ने SIP किया, ठीक है ना। अब मान लीजिए SIP का मतलब होता है कि देखिए आप लोग किस्तों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए आपने मान लीजिए कम से कम 1,000 रुपये महीने का SIP कर लिया ICICI प्रूडेंशियल के जो सिंपली जो इसका म्यूचुअल फंड है इसके अंदर। अब दोस्तों देखिए आप लोग कम से कम 2 साल तक हर महीने सिंपली 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं देखिए सिंपली ये SIP हो गया। लमसम की बात करते तो कहीं देखिए कम से कम 2 साल तक आप लोगों ने कहीं देखिए सिंपली 1,000 रुपये यहाँ पर सिंपली इन्वेस्ट किया, कहीं देखिए तो होते हैं 24,000। और अब कहीं देखिए आप लोग बस 24,000 आपके अकाउंट में है जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों ने रखे हुए हैं। तो सिंपली कहीं देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सिंपली जो 24,000 है आप उन 24,000 को एक ही बार में इन्वेस्ट कर देंगे, इसको हम लोग कहेंगे लमसम। सो कहीं देखिए SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। SIP का मतलब है आप लोग पैसा जो उसको किस्तों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपली कहीं देखिए आप लोग बस इकट्ठा पैसा नहीं है। लमसम का मतलब है कि आप लोग पास इकट्ठा पैसा है तो आप लोग सिंपली उसको एक ही बार में लगा रहे हैं। तो कहीं देखिए इसका मतलब होता है सिंपली आप लोग देख सकते हैं SIP और लमसम। अब दोस्तों देखिए हमारा सवाल आता है कि दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है। सो भी देखिए मैं आपको कहना चाहूँगी दोनों ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। अभी दोस्तों देखिए मैंने SIP भी ट्राई करके देखा है, लमसम भी ट्राई करके देखा होगा, देखिए दोनों ही कम से कम 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम हो गया है और देखिए कम से कम मैंने दोनों में ये चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि दोनों ही प्रॉफिटेबल है। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। अभी दोस्तों देखिए सिंपली जब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हो देखिए हमारे दिमाग में क्या आएगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब भी देखिए सिंपली आप लोग अच्छा फंड सिलेक्ट करना वो आपके ऊपर है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना। अभी के देखिए मैं आप लोगों को हिंट देना चाहूंगा, आप जब सिंपली इन्वेस्ट करें जब फंड नीचे जाए, ठीक है ना। अब आप लोग यहां पर SIP भी करें या फिर लमसम भी करें, और के देखिए सिंपली आप लोग पता होगा कि आप लोग जब ग्रो ऐप में सिंपली यहां पर SIP करते हैं तो यहां पर आप लोग एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि ऑटोमेटिकली हर महीने की 1 तारीख को आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, चाहे वो जो म्यूचुअल फंड है, देखिए सिंपली वो म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है उसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो बढ़ा हो या फिर घटा हो। बट देखिए मैक्सिमम आप लोगों को लमसम में जो प्रॉफिट निकालना है तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा आप लोग उस फंड में जब इन्वेस्ट करें जब वो फंड गिरा हुआ हो, ठीक है ना, जब उसकी नेट असेट वैल्यू गिरी हुई हो। जब दूसरे के उसकी नेट असेट वैल्यू गिरी हुई होगी ना तो कहीं देखिए कम से कम 1 महीने 2 महीने बाद ऑटोमेटिकली कहीं देखिए सिंपली जो उसकी वैल्यू है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा जैसे ही दूसरे के उसकी वैल्यू ऊपर चले जाएगी ना आप लोगों को लमसम में काफ़ी ज़्यादा एक ही बार में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यहीं पर कहीं देखिए मैक्सिमम कैसे उसमें SIP में कहीं जैसा कि आप लोग जब कम से कम 3 से 4 साल के लिए SIP करेंगे तब कहीं देखिए आप लोगों को काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट कहीं देखिए यहाँ पर लमसम में क्या होता है कि आप लोग देखिए कम से कम इंस्टेंट अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए आप लोगों को जो पैसा है SIP में कहीं देखिए आप लोग जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं सिंपली उसके बाद वो इकट्ठा होता है, उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलता है। बट कहीं देखिए लमसम में ऐसा होता है कि आप लोगों ने आज इन्वेस्ट किया तो 10 दिन बाद जब उसकी प्राइस बढ़ेगी उस फंड की तो सिंपली कहीं देखिए आप लोगों को प्रॉफिट फेस करने को मिलेगा। मैंने फिलहाल में जो रिसेंट मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो कहीं देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो कहीं देखिए उसमें मुझे फिलहाल में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, मैंने वो इन्वेस्टमेंट किया जब सारे जो फंड है वो नीचे गिरे थे, कहीं देखिए वो टाइम था COVID-19 का आप लोग बताओगा, जिसमें कि कहीं देखिए जो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी और जिसमें देखिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, शेयर्स की बात करें या फिर फंड्स की बात करें। तो कहीं देखिए मैंने उस टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो अभी मुझे फिलहाल में अच्छा प्रॉफिट फेस करने को मिल रहा। तो इसी प्रकार से कहीं देखिए ऐसा टाइम आता है कि जब जो फंड्स की प्राइस है वो गिर जाती है तब दोस्तों आप लोग इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल
मिलेगा। और कहते कि जब फंड्स की प्राइस बढ़ भी रही हो ना आप लोग, तब SIP भी करेंगे ना, तो देखिए आप लोग जब 2-3 साल के लिए करेंगे ना, तो आप लोग को तब भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट फेस करने को मिलेगा। अब आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझ कर थोड़ा कुछ जान सकते हैं कि सिंपली आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर करना है और दोनों में से क्या बेहतर है आप लोगों के लिए, SIP या लमसम। सो कहते कि होप, मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।